नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर चितरंगी, मध्य प्रदेश सीआरए विकास खंड के ग्राम पंचायत नेकहवा से है, जहां पर शासकीय उच्च मूल्य दुकान नेकहवा में बता दें कि विक्रेता द्वारा ही व्यापक तौर पर खदान का गोलमोल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पत्र उपभोक्ता द्वारा ही उपखंड अधिकारी चितरंगी के पास शिकायत दी गई है। विक्रेता को हटाने के लिए गुहार लगाई गई है। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए विनोद विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट चितरंगी मध्य प्रदेश से। उपखंड ऑफिस में आए हुए थे, इन लोगों ने कुछ आवेदन वगैरह दिया है। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। राम किशोर सिंह। कहाँ से आए हैं? नेकहवा से। अच्छा, आप कहाँ आए थे? तहसील। अच्छा, क्या करने आए थे? सर, आवेदन डाले। अच्छा, किस चीज़ का आवेदन था? वो कोटा से कुछ, मतलब कि कोटेदार जो है वहाँ का जी, तो दूसरी जगह माल सप्लाई कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो पता चला कि नहीं, दूसरी जगह माल सप्लाई हुआ है, उतारा गया है जी। तो दूसरे लोगों से कुछ मतलब चर्चाएं हुई, तो हमने पता लगाया तो छोटे छोटे बच्चों को खिलाने जगह उतरा है। तो मतलब जो ट्रक वहाँ गल्ला उतारने के लिए गया था, उसी ट्रक से वो माल लादे और एक समूह वाले के यहाँ ले जाकर उतारे। वो तो बताए कि नहीं, वहाँ उतरा है माल। तो हमने छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ दुकान भी है, तो छोटे छोटे बच्चे गए दुकान में और आ रहा है भाई साहब। हम बोले कि जाओ पता लगा क्या सही वहाँ बोरी उतरा है। हाँ, तो गए छोटे छोटे बच्चे, तो देखने लगे तो वहाँ चना की बोरी था। तो आकर बताए कि नहीं, हाँ वहाँ चना की बोरी है। तो हम लोग सोचे कि भाई ऐसे तो हम लोग दूसरे घर में नहीं जाएंगे, कोटेदार को साथ में ले लिया जाए, इसके बाद चले वहाँ। तो फिर कोटेदार का इंतज़ार किया गया, इसके बाद कोटेदार को साथ ले गया, फिर वहाँ गया, छापा मारा गया। तो उनसे पूछा गया कि भाई कैसा गल्ला आपने उतारा है? तो बोले कि नहीं, समूह वालों का गल्ला है। हमने बोला कि कैसा समूह? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो पुष्पा देवी हैं, उन्हीं का समूह का गल्ला है, तो वहाँ उतारा गया। तो हम पूछे कि भाई कौन सा गल्ला है? तो वो बताए कि चावल और गेहूँ। हमने बोला कि चलो दिखाओ उसको। कोटेदार को लेकर उस घर में गए, तो वहाँ पर देखा गया कि वहाँ चना का बोरी 12 ठो था और 7 बोरी चावल मिला। अच्छा, कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम है वो पुष्पराज सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं? वो मतलब वहाँ पे मौके से करे करता है, वही पुष्पराज। लेन देन मुख्य कोटेदार कौन है? मुख्य कोटेदार रमेश कुमार बैस। अच्छा, कहाँ के हैं वो? वो महादेवा के हैं। अच्छा, तो आपने आवेदन दे दिया? हाँ, आवेदन तो दे दिया। तो आवेदन आपने किसको दिया? आवेदन मैंने एसडीएम साहब एसडीएम साहब को दिया। पावती उसकी कहाँ है? उसकी पावती रखे हैं थोड़ा सा। पावती आप अपने हाथ में ले लीजिए, होगा हाथ में लेकर कैमरे पर दिखाइए। पावती वहाँ दिखाइए। हाँ, हटाइए अभी। हाँ, इधर दीजिए। हाँ, अभी ये हो गया। हाँ, अभी ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं सर कि इसका कायदे से जांच हो। हाँ, और जो मुर्जी हो उसका कार्यवाही हो, उसके प्रति कुछ। अच्छा, जो दोषी पाए जाए उसका उसके प्रति कार्यवाही हो। धन्यवाद।